परासिया शहर में हृदय स्थल कहलाने वाला स्टेशन रोड है। इस रोड में नाले के ऊपर सैकड़ों वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ पुल है, जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है। जब भी यहाँ भारी वाहन जाते हैं तो ऐसे वक्त में धरती में कंपन होता है। ऐसे में अगर समय रहते भारी वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 9 और 10 के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। स्टेशन रोड परासिया एक व्यापारिक एवं रहवासी क्षेत्र है। वार्ड नंबर 9 एवं 10 से मिलकर स्टेशन रोड बना है। दोनों ही ओर व्यापारियों की दुकानें लगती हैं। शहर में जाने माने सबसे अधिक डॉक्टरों के अस्पताल स्टेशन रोड में ही हैं। रोड इतना अधिक चौड़ा नहीं है कि यहाँ से बड़े बड़े भारी वाहन प्रवेश कर सके, और आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम होता रहता है। कई बार आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस वालों को भी साइड नहीं मिलती। इसके साथ ही इन भारी वाहनों से यहाँ जन धन हानियां हो रही है। पिछले वर्ष भी एक स्कूटी पर सवार व्यक्ति को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पे ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। कल एक गौ माता के पैर के ऊपर एक ट्रक वाले ने ट्रक चढ़ाकर गौ माता का पैर कुचल दिया, जिसका उपचार वार्ड वासियों के द्वारा करवाया गया। रिंकू चौरसिया ने बताया कि स्टेशन रोड परासिया के व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों एवं समस्त चिकित्सकों ने अपना विरोध दर्ज करते हुए लिखित ज्ञापन सौंपा। आज नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय, वार्ड नंबर 9 पार्षद एवं वार्ड नंबर 10 पार्षद ने स्टेशन रोड आकर पुल का निरीक्षण किया। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही भारी वाहनों का प्रवेश स्टेशन रोड पर बंद किया जाएगा। कंपन हो रही जमीन, मतलब मैंने कहना चाहिए ऐसा लगता है कि अब जरा के जब जरा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए परासिया से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।